नमस्कार, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 के तहत कवर्ड 60 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कंसिडरेशन प्रपोजल आया है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपडेट है ईपीएस 95 के तहत कवर्ड पेंशन भोगियों के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 24 जनवरी 2019 को ये प्रपोजल आया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ईपीएस 95 के तहत कवर्ड पेंशन भोगी हैं उनकी मिनिमम पेंशन को इंक्रीज करने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितनी पेंशन को यहाँ पर इंक्रीज करने वाली है और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पर क्या सुझाव है। इसका कहना है कि एक हाई लेवल लेबर कमेटी बिठाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उनके अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर यहाँ पर एक्टिवली कंसीडर की जा रही है। यहाँ पर उनका कहना है कि अभी तक जो पेंशन की फंड है उसकी मतलब ईपीएस पेंशन स्कीम है उस पर गवर्नमेंट 9000 करोड़ रुपए पर एनम खर्च करती आ रही है। अगर जो प्रपोजल है गवर्नमेंट दे रही है वो एक्सेप्ट कर लेती है तो 12000 करोड़ रुपए यहाँ पर उसका पर एनम खर्च होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एडिशनल रिव्यू कमेटी भी बैठी थी जिसने अपने रिपोर्ट सौंपी है कि जो पेंशन भोगी हैं उनको जो मिनिमम पेंशन यहाँ पर दी जा रही है वो काफ़ी कम है, इतनी कम है कि वो अपनी यहाँ पर बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो पेंशन भोगी हैं उनकी मिनिमम पेंशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनका कहना है कि टोटल हमारे 6 मिलियन पेंशनर हैं, उनमें से 4 मिलियन पेंशनर ऐसे हैं जिनको 1500 रुपये पर मंथ से भी कम पेंशन मिल रही है। 1.8 मिलियन ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको यहाँ पर 1000 रुपये पर मंथ के अंडर ही पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट जो है पेंशन फंड के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट के पास हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है हमारे ट्रेड यूनियंस की तरफ से, ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति की तरफ से, कि जो पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन है उसको यहाँ पर 3000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये के बीच में किया जाए। एक पैरामिलिट्री पैनल भी यहाँ पर आया है रिसेंटली जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उनका कहना है कि जो हमारे पेंशन भोगी हैं उनकी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इतने स्मॉल हैं, इतने कम हैं कि वो अपनी बेसिक नीड को भी कम्प्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पेंशन का रिविजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे पेंशन भोगियों के लिए। एम्प्लॉइज़ जो यहाँ पर ईपीएस स्कीम के तहत अगर कोई भी मेम्बर है ईपीएफ स्कीम के तहत कवर्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस स्कीम के अंदर एनरोल्ड हो जाते हैं। एम्प्लॉयज की सैलरी का 12% जो पार्ट होता है वो ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है एवरी मंथ। जब बात करें हमारे एम्प्लॉयर के 12% कंट्रीब्यूशन की तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। किस तरह डिवाइड होता है, ईपीएफ का 3.67% ईपीएफ के अंदर, इसका 8.33% ईपीएस के अंदर, 0.5% EDLI एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो हैं वो भी हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा बोर्न की जाती है। मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम 1250 रुपये पर मंथ यहाँ पर होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पेंशन भोगी जो ईपीएस 95 के तहत कवर्ड है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। उनकी लगातार डिमांड है कि लोकसभा चुनाव से पहले गवर्नमेंट जो है उनकी मांगों को माने, ईपीएस 95 के थर्ड तहत कवर्ड पेंशन भोगियों को उनका हक दें ताकि वो आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो चलिए वो एक बार हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखा देते हैं जिसमें वो उन्होंने अपना विरोध किया है और क्या उनकी यहाँ पर मांगे रही हैं। आशा कसा देत नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम सब एक है, हम सब एक है। जो टेक्सस का काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो टेक्सस का काम करेगा वही देश में राज करेगा। दाऊद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दाऊद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की कि तुमची ऊर्जा, तुमची शक्ति आणि तुमची हिम्मत तुम्ही आज दाखवून दिली। काल 30 दिवस पूर्ण झाले उपोषणाला आणि आजपासून पुन्हा आमरण उपोषण आपण करतोय। तुमची ऊर्जा घेऊन संपूर्ण देश पेटलेला आहे। आज देशातल्या 300 जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन होत आहे। आज औरंगाबादला 1000 ते 1500 लोक जमलेले आहेत, हैदराबादला त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत।
प्रत्येक ठिकाणी उस्मानाबाद बीड सोलापूर नगर नाशिक की जय भारत माता की जय। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश सेवा सेवा। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश सेवा सेवा। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश सेवा सेवा। जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश सेवा सेवा। जेष्ठ भारत जेष्ठ भारत जेष्ठ भारत जेष्ठ भारत जेष्ठ भारत जेष्ठ भारत। ईपीएस पेंशनर्स का जय हो। ईपीएस पेंशनर्स का जय हो। ईपीएस पेंशनर्स का जय हो। राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा जय हो। राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा जय हो। राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा जय हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।